हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने कल मुंगेली जिला पढ़ लिया था, ठीक है। आज पढ़ेंगे गोरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैप आपको समझा देता हूँ कि ये है गोरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है। ये मुंगेली है जो हमने कल पढ़ लिया, ये गौरेला पिंडा मरवाही है। तो बॉर्डर में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस साइड तो है पूरा एमपी, ऊपर में है कोरिया, इस साइड है कोरबा और नीचे है बिलासपुर और ये मुंगेली, ठीक है। तो आइए अपना मैप बनाते हैं। मैप बनाने का तरीका आप जानते हैं कि एक बॉक्स ही तो बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया, इस साइड पूरा हो जाएगा एमपी, ऊपर हो जाएगा कोरिया, इधर हो जाएगा कोरबा और इधर आधा मुंगेली और आधा बिलासपुर, ठीक है। तो ये हो गया अपना गोरेला पेंडा मरवाही का बॉर्डर। तो अब बनाते हैं, देखिए गोरेला पेंडा मरवाही तो बीच में हो जाएगा अपना गोरेला, मतलब यहाँ इधर हो जाएगा पेंडरा और इधर हो जाएगा मरवाही, ठीक है। गोरेला पिंडरा मरवाही है ना। तो कोरिया का मनेंद्रगढ़ तहसील, ठीक है। कोरबा का कटघोरा तहसील, बिलासपुर का कोटा तहसील, मुंगेली का लोरमी तहसील, ठीक है। और एमपी का अनूपपुर जिला, ठीक है। ये क्या है, गोरेला पेंडा मरवाही का बॉर्डर है। चूंकि ये नया गठन हुआ है, क्वेश्चन अभी बहुत कम पूछा है या नहीं पूछा है, तो इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया बॉर्डर, ठीक। उसके बाद आइए मैकल पर्वत बनाते हैं, क्योंकि मैकल तो यहाँ भी फैला हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद मुंगेली, मुंगेली से कवर्धा फिर राजनांदगांव, ये क्या है अपना मैकल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसी मैकल पर्वत श्रृंखला में अचानक मार है यहाँ पर, जो कि गोरेला पिंडा मरवाही में है, मुंगेली में भी है और एमपी में भी है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, क्लियर। ये ठीक। उसके बाद देखिए इसी मैकल पर्वत में एक जगह है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं खुडरी खोंगसरा। क्या बोलते हैं, खुडरी खोंगसरा। और यही खुडरी खोंगसरा से निकलता है अरपा नदी, ठीक है। ऐसे अरपा नदी, ठीक है। और यही अरपा नदी कोटा के पास बिलासपुर जिले में, ठीक है, कोटा के पास बिलासपुर जिले में एक परियोजना बनाती है, ठीक है। ये और इस परियोजना को बोलते हैं भैंसाझार, ठीक है। भैंसाझार परियोजना जो कि बिलासपुर के कोटा तहसील में है, ठीक है। अरपा भैंसाझार परियोजना बोलते हैं, अरपा नदी पर बना हुआ है, क्लियर हुआ। अब आइए मरवाही, मरवाही के बारे में हम तीन फैक्ट जानना है, एक दो और ये तीन, ठीक है। तो मरवाही के बारे में तीन फैक्ट ये है कि मरवाही वन मंडल में सफ़ेद भालू, ठीक है, सफ़ेद भालू देखे जाने की घटना है, क्लियर। दूसरा फैक्ट जानिए कि शिव घाट पर्यटन स्थल है, पिकनिक स्पॉट है शिव घाट, ठीक है, ये मरवाही क्षेत्र में है। और एक जानिए एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, एकमात्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है मरवाही, क्लियर हुआ। और इसी मरवाही में अभी स्वर्गीय बिसाहू दास महंत उद्यानिकी कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ठीक है। तो ये बात जानिए मरवाही के बारे में। पिंडरा के बारे में तीन बात जानिए, पहला कि धनपुर, धनपुर जो क्षेत्र है पिंडरा के आसपास है, पेंडा क्षेत्र में है ना, और धनपुर में क्या है, ये पाषाण कालीन स्थल है,
इतिहास में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये पाषाण कालीन स्थल है धनपुर। दूसरा जानिए सोनकुंड, ठीक है, सोनकुंड। तो सोनकुंड भी एक पर्यटन स्थल है। और तीसरी बात जानिए अंजनी, है ना। अंजनी क्या है, अंजनी में औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, गौरेला पिंडा मरवाही जिले का, ठीक है। लगभग हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की क्या है प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो अंजनी में वो है इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, जिसको रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, क्लियर हो। और गौरेला क्षेत्र में आइए तो यहाँ भी तीन बातें याद रखिए। पहला क्या, पहला है लक्ष्मण धारा, ये एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, वाटरफॉल है। जलेश्वर धाम, ठीक है, जलेश्वर धाम। और झोझा जलप्रपात, ठीक है, झोझा जलप्रपात। क्लियर हुआ इतना। तो ये हो गया गाइस अपना मैप, ये सब याद रखिए। तो आइए फैक्ट अपन फिर पढ़ते हैं। तो गौरेला पिंडा मरवाही का जो गठन है वो 2020 में हुआ, कब, 10 फरवरी 2020 को, ठीक है। सीमावर्ती की बात करें तो इस साइड एमपी है, ऊपर में कोरिया है, इस साइड कोरबा है, और इस साइड में आधा बिलासपुर आधा मुंगेली, ठीक है। तो ये हो गया। तहसील प्लस विकास खंड में देखिए तो गौरेला पिंडा मरवाही, ठीक है, ये क्या है, तहसील भी है और विकास खंड भी है, ठीक। चट्टान देखें तो कड़प्पा चट्टान है, और कड़प्पा चट्टान की विशेषता ये है कि यहाँ चूना पत्थर मिलता है। जनजाति में है बैगा जनजाति, साथ में अगरिया जनजाति, ठीक है। विकास सॉरी विधानसभा की बात करें तो मरवाही विधानसभा है एकमात्र जिले में, ठीक है। नदी, तो नदी निकलती है अरपा नदी खोडरी खोंसारा की पहाड़ी से, ठीक है। और एक जलप्रपात है झोझा जलप्रपात, ठीक है, झोझा जलप्रपात। उसके बाद आइए धनपुर। धनपुर तो पाषाणकालीन स्थल है, अंजनी औद्योगिक क्षेत्र है, और पकरिया, पकरिया बकरी प्रजनन केंद्र है, क्या है, बकरी प्रजनन केंद्र, ठीक है। पर्यटन स्थल देखिए तो शिवघाट, जलेश्वर धाम, लक्ष्मण धारा, सोनकुंड। तो शिवघाट मरवाही में है, जलेश्वर धाम लक्ष्मण धारा गौरेला में है, और सोनकुंड पेंड्रा क्षेत्र में है, ठीक है। फिर आई विशेष बात जानिए कि छत्तीसगढ़ मित्र देखिए 1900 में प्रकाशित हुआ था सप्रे जी द्वारा पेंड्रा रोड से, ठीक है। उसके बाद मरवाही क्षेत्र में सफ़ेद भालू देखने की घटना देखा गया है, ठीक है। और प्रदेश का प्रथम विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला जो है वो है गौरेला पिंडरा मरवाही एकमात्र, ठीक है। प्रदेश का प्रथम विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, गौरेला पिंडरा मरवाही, क्लियर। करेंट अफेयर देख लीजिए कि गौरेला पिंडरा को नगर पालिका बनाने की घोषणा भी हाल ही में भूपेश बघेल ने की है, ठीक है। अरपा महोत्सव मनाया जाता है गौरेला पिंडा मरवाही जिला में, ठीक है। और स्वर्गीय बिसाहू दास महंत उद्यानिकी कॉलेज बनाने की घोषणा मरवाही में भी की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, ठीक। तो इतना चीज़ आप गौरेला पिंडा मरवाही के बारे में याद रखिएगा इस, ठीक है, छोटा सा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना अगला टारगेट होगा ये बिलासपुर, क्लियर, थैंक यू।